मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नेटवर्क, इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, इसका दूसरा पार्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, वैल्यू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स। वैल्यू अपने मित्र का पीछा करता है, मतलब जितना पीछा करता है, थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स, भीड़ वाली गलियों में से, टू ए बिग बिल्डिंग, और एक बड़े भवन की तरफ चला जाता है। बिहाइंड द बिल्डिंग, बिहाइंड का मतलब पीछे, बिहाइंड द बिल्डिंग, भवन के पीछे, देयर इज ए बिग गार्बेज, एक बिन, गार्बेज बिन होता है कूड़ादान, वहां पर एक बहुत बड़ा कूड़ादान है। उस भवन के पीछे एक बहुत बड़ा कूड़ादान रखा हुआ है। वैल्यू बंडल्स, वैल्यू हैरान होता है, बंडल्स का होता है हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, व्हाई दे आर देयर एट होम, कि वे वहां पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। He caught up Beaker. वह उस लड़की से जा मिला, caught up का मतलब है जा मिलना, पीछे से जाकर मिलना। As she was leaving the station, जैसे ही वह स्टेशन को छोड़ रही थी, leaving छोड़ रही थी, स्टेशन पार कर रही थी। When they got to the road, जब वे सड़क पर पहुंचे, वैल्यू फाउंड, वैल्यू ने देखा कि दैट द व्हीकल्स, कि जो वाहन थे, जो यातायात के साधन थे, कैप्ट कमिंग, वो आ रहे थे, लगातार आ रहे थे, एंड नेवर स्टॉप, और फॉर एनीवन, किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे, नेवर स्टॉप, नहीं रुकना, फॉर एनीवन, किसी के। स्मोक का मतलब धुआं, एंड डस्ट, और धूल, धुआं और धूल, फ्लू एट हिम, उसकी तरफ उड़ रहे थे, फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी दिशाओं से, सभी तरफ से, चारों तरफ से धुआं और धूल थे जो उसकी तरफ उड़ रहे थे। मेकिंग हिज हेड स्पिन, स्पिन का मतलब चकराना, जिस वजह से उसका जो सिर था वो चकराने लग गया, चक्कर आ गया। They had to wait, wait होता है इंतजार करना, उन्हें इंतजार करना पड़ा for a long time, लंबे समय तक, उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, किस चीज के लिए, before they could find a way, फिर उन्हें रास्ता मिला, एक स्थान मिला, टू रन थ्रो, भागने के लिए, सड़क पार करने के लिए, एक रास्ता मिलने से पहले उन्हें काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। When you kept hesitating, hesitating होता है हिचकिचाना, When you हिचकिचाता रहा, and the girl finally, आखिरकार, और लड़की की जो आखिरकार, drag him, घसीटना, पकड़ कर ले जाना, टू द अदर साइड, उसे दूसरी तरफ खींच कर ले गई या घसीट कर ले गई। व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या सोचते हैं, यू आर डूइंग, कि तुम क्या करने जा रहे हो, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं कि तुम क्या करने आए हो, ग्रेजिंग काउस, गाय चराने आए हो। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड, यदि तुम इसी प्रकार सड़क के बीच में, सड़क के बीच में इसी प्रकार से खड़े रहते, लाइक दैट, उसी तरह यदि तुम इस प्रकार से सड़क के बीच में खड़े रहते, यू विल बी चटनी, तुम्हारी चटनी बन जाती, यानी कि तुम सड़क पर चिपक जाते। वैल्यूज हर्ट वॉज स्टिल बिटिंग,
वैद्यू का हृदय अब भी धड़क रहा था, बीटिंग फास्ट तेज। वैल्यू का जो हृदय था वो अब भी तेज धड़क रहा था। He looked back, वैद्यू का पीछे, उसने पीछे देखा at the central station, जो सेंट्रल स्टेशन था, जो केंद्रीय स्टेशन था, उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखा। And the traffic speeding by, और तेज गति से चलते हुए वाहनों को देखा। स्पीडिंग होता तेज गति। How have they managed to come through that? कि वे किस प्रकार से सड़क को पार कर सके? हैरानी होती है आप उसे कि वे सड़क को किस प्रकार से पार करके आए हैं? Through that इसमें से they walked along the side of the road, वे सड़क के साथ साथ उन्होंने चलना शुरू कर दिया। Under some huge signboard, signboard होता संकेतक, विज्ञापनों के होते थे, जो बड़े बड़े साइन बोर्ड थे, जो बड़े बड़े संकेतक लगे थे, उनके नीचे सड़क के साथ साथ उन्होंने चलना शुरू कर दिया। यूज होता बहुत बड़े। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वैल्यू ने तस्वीरों को देखा। पिक्चर्स होता तस्वीरें, जिसमें किसी की तस्वीर नहीं, बनियान्स की, बनियान्स की। कार टायर्स, कारों के टायर थे। पेंस, पेन थे। ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स, और जो औरत थी वो एक डिब्बा लिए हुए थी, होल्डिंग होता पकड़े हुए थे। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, और उनके ऊपर जो लिखाई थी, जो लिखा हुआ था, वो सभी किसी में लिखा था इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिड नॉट नो, इसलिए वह नहीं जानता था व्हाट इट मीन्ट, कि इनका क्या मतलब है, यानी कि किस चीज का इंग्लिश में लिखे हुए शब्दों को, क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए कहा है कि वह इन पर क्या लिखा हुआ है, उन पर क्या उनका क्या मतलब है, इस चीज को नहीं जानता। तो ये हमने इसकी ट्रांसलेशन पूरी हो गई। थैंक यू।